नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन वहां पे अब जो लड़ाई चल रही है वो जनता, कोर्ट और सेना के बीच में चल रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोर्ट सीधे इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो सेना है वहाँ की, उससे सीधे जो है दो हाथ करने को तैयार है, जबकि याद से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश पर इमरान खान को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन इस वक्त जो लोग उस उपद्रव में वहाँ के पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में शामिल थे, अब सेना उन लोगों को उठा रही है और उनको गिरफ्तार कर रही है। शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि जिन लोगों ने देश की संपत्ति को यानी कि पाकिस्तान की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये इतने जाहिल लोग हैं, मुझे हमेशा ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान इतने जाहिल देश है, इतना घटिया देश है कि आप, मुझे हमेशा ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान एक ऐसा जाहिल देश है जो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। वो चाहे जितना भी कर ले, जब तक उसकी सोच नहीं बदलेगी उस देश का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने जिन्ना हाउस चलाते वो जिन्ना वो कायदे आजम जिन्होंने उनके लिए अपने देश अलग किया, आज उनकी ही कोई वैल्यू नहीं। उनके घर को ऐसे जलाया गया जैसे कि किसी आम पाकिस्तानी का घर हो। ये देश ना संविधान मानता है, ना वहाँ की सेना को मानता है, ना वो कुछ मानता है। वो सबसे मानता है तो मजहब अपना, और मजहब भी पूरी तरह नहीं मानता है। उसमें भी वो शिया सुन्नी बरेलवी देहलवी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। वो अपने अलावा हर एक को काफिर समझते हैं। तो जब तक वो इस सोच से नहीं निकलेंगे पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान को देख के भारत के लोग तो सिर्फ मजा लेते हैं, और मैं भी मजा लेता हूँ, क्यों ना लूँ, क्योंकि पाकिस्तान है ही ऐसी चीज़। पाकिस्तान के औकात दो कौड़ी के नहीं है, लेकिन वो हमें मज़ा पूरा दे जाता है। जो काम भारत की गवर्नमेंट 70 साल में नहीं कर पाई वो इमरान खान ने अकेले कर दिया, पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करके। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।